हेलो मेरे यारो, आज भी मेरे पास इंडिया सिनेमा की तरफ से कई सारे अपडेट्स है, तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले अपडेट है जानवी कपूर की उल्ज मूवी के बारे में। तो फाइनली सेंसर बोर्ड ने कुछ अच्छा काम किया है और मूवी में से जो भी वल्गर वर्ड्स है उसे म्यूट कर दिया है या हटा दिया है, और उसके साथ सेंसर बोर्ड ने मूवी में जो भी वल्गर हैंड गेस्चर होगा उसे भी ब्लर कर दिया गया है। वैसे तो ये मूवी 2 अगस्त को आने वाली है, जो कि काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी हुई है। और देखा जाए तो ये मूवी 2 घंटे और 14 मिनट की है। वैसे तो इससे पहले ही प्रीमियर कर दिया है और लोगों को काफी अच्छी लगी है मूवी। तो अगली अपडेट है अपर शक्ति खुराना के बारे में। तो वाणी कपूर, अपर शक्ति खुराना और परेश रावल ने मूवी कंप्लीट कर चुकी है, जिसका नाम है बदतमीज गिल, और इनकी ये मूवी रिलीज होने वाली है 29 नवंबर 2024। तो अगली अपडेट है रणबीर कपूर के बारे में। तो रणबीर कपूर ने कहा है कि मैं आलिया से तब मिला था जब वो 9 साल की थी और मैं 20 साल का। मुझे आज पता चला कि उन दोनों में 11 साल का डिफरेंस है। और उन्होंने कहा कि हम संजय लीला भंसाली के बालिका वधू के फोटोशूट में मिले थे। इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। तो अगली अपडेट है सोनू सूद के तरफ से। तो सोनू सूद ने अपने डायरेक्ट किए हुए मूवी फतेह का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया, जहां ये मूवी थिएटर्स में 10 जनवरी 2025 को रिलीज हो जाएगी। तो अगली अपडेट है जैकलीन और नील नितिन मुकेश के बारे में। तो जैकलीन फर्नांडिस और नील नितिन मुकेश ओटीटी में अपना वेब सीरीज डेब्यू करने वाले हैं, जिस वेब सीरीज का नाम गोड्स होने वाला है, और कहा जा रहा है कि ये गोड्स सीरीज 2024 में ही रिलीज होगी। तो अगली अपडेट है राहुल जुएल के बारे में। तो इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में कहा है। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने जब रिस्क लिया था टीवी को छोड़ के ओटीटी और फिल्म्स के बारे में सोचने के लिए, तो मैंने अपना आइडेंटिटी, अपना कंफर्ट और अपने पैसे को पीछे छोड़ दिया था, जहां मुझे इससे रिकवर करने के लिए काफी मेहनत लगी। और जब मैंने राघव को किल मूवी में देखा था, मुझे काफी अच्छा लगा था और इनकी एक्टिंग काफी बेहतरीन थी। तो अगली अपडेट है कायरा आडवाणी की तरफ से। तो कायरा आडवाणी के बर्थडे पर उन्होंने एक नया पोस्टर निकाला गेम चेंजर का, जिसमें कायरा आडवाणी है और इनका नाम है जबी लम्मा। तो अगली अपडेट है जानवी कपूर की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि जब मैं देवारा पार्ट 1 शूट कर रही थी, तो जूनियर एनटीआर का एनर्जी काफी हाई लेवल का है, ये काफी अलग अंदाज में चलते हैं और खुल के जीते। तो अगली अपडेट है प्रवास के तरफ से। तो फाइनली राजा साहब का फैन इंडिया ग्लिम्स निकल के आ गया, छोटा है पर काफी अच्छा है। वैसे तो यह मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनरा से आती है, और हमने देखा भी है कि टॉलीवुड के तरफ से या साउथ के तरफ से काफी अच्छी हॉरर कॉमेडी मूवीज आती है, और राजा साहब मूवी थिएटर्स में 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। तो फाइनल अपडेट है मार्वल के तरफ से। तो हमने देख लिया है कि मार्वल ने रूसो ब्रदर्स और आरडीजे को वापस ला लिया है, और ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और एवेंजर्स डूम डे के लिए 80 मिलियन लिया है। $80 मिलियन, ये तो कुछ भी नहीं है, पर आरडीजे ने काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज किया होगा मार्वल वालों से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मार्वल को मेरी जरूरत है, ना कि मेरे को मार्वल की। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगले वीडियो में।